नमस्ते बच्चों, अभ्युदय विद्यास्थली की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 से वसंत पाठ्य पुस्तक से पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जो कि एक निबंधकार है। क्या निराश हुआ जाए एक निबंध रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था और इनकी मृत्यु 19 मई 1979 को ब्रेन ट्यूमर से दिल्ली में हुई थी। अब क्या निराश हुआ जाए पाठ के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये एक निबंध रचना है। इस निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जब समाज के बदलते दृश्य को देखते हैं और प्राचीन समय के भारत को देखते हैं, तो उनके मन में विचार आता है कि क्या हमारे मनुष्यों ने, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने और अन्य नेताओं ने जिस भारत का सपना देखा था, क्या वो भारत बन पाया है। उन्होंने देखा कि आजकल भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, चोरी डकैती, ये खबरें प्रतिदिन समाचार पत्र में आती जा रही है। तो हमारे मनुष्यों ने जैसे भारत का सपना देखा था, तो वो भारत आज कहाँ जा रहा है, तो उस चिंता के विषय में इस पाठ में बताया गया है। तो हम पाठ के माध्यम से इस बात को समझेंगे। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में ठगी डकैती चोरी तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि आजकल समाचार पत्र में जब हम समाचार पत्र उठाते हैं तो प्रतिदिन हम यही खबर देखते हैं कि वहाँ ये भ्रष्टाचार, वहाँ चोरी, वहाँ डकैती। तो ये सब चीज़ें पढ़कर लेखक बहुत दुखी हैं कि आजकल हमारा जो भारत है वो कैसा हो गया है और आने वाली स्थिति और कैसी होगी। और ये भी बताया गया है कि जो जितने ऊंचे पद पर हैं वो व्यक्ति उतना ही अधिक गिरता जा रहा है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते हैं, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बता रहे हैं कि उनको किसी एक बहुत बड़े आदमी ने बताया है कि इस समय सुखी वही व्यक्ति है जो कुछ नहीं करता है और जो कुछ करता है वो दुखी है, क्योंकि लोग उसे करने नहीं देते हैं। जो व्यक्ति कुछ काम करने जाएगा तो लोग उसमें हजारों दोष, हजारों बुराइयां निकालने लग जाते हैं और उसके उस समय उसके गुण सारे भुला दिए जाते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति रही तो जो लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था, रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों ने सपनों का भारत, हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि जो समाज का परिदृश्य है जो बदलता जा रहा है ये सत्य नहीं है, क्योंकि हमारे महान ऋषि मुनियों ने जिस भारत का सपना देखा है, पहले आर्य संस्कृति थी जिसमें संस्कार, एक सभ्य समाज, अच्छे आचरण वाले लोग, इस प्रकार से चलता आ रहा है भारत में और भारत को इसी कारण विश्व गुरु भी कहा जाता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यहाँ मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि क्या हमारा भारत है जिसका सपना हमारे राष्ट्रपिता ने देखा था। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं
और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। अब हम समाज में देखते हैं कि जो ईमानदारी से मेहनत करता है वो व्यक्ति जमीन से नीचे उठ ही नहीं पाता है, गरीब का गरीब रहता है, और जो बेईमानी से काम धंधा करता है वो जल्दी ऊपर उठ जाता है, अमीर बन जाता है, और जो गरीब है वो दिनों दिन उन अमीरों के हाथों शोषित होता रहता है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। आप सभी को भी पता है कि हमारी जो संस्कृति है इसमें भौतिक सुख सुविधाओं को कभी भी महत्व नहीं दिया जाता है। हमारे यहाँ संस्कार और सभ्यता को महत्व दिया जाता है और हमारी संस्कृति को हमेशा संजोकर रखा जाता है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर इन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यहाँ पर लेखक ने कहा है कि जो लोग बुरे रास्तों की ओर जा रहे हैं उनकी हम बुराई नहीं करेंगे, उनकी उपेक्षा हम नहीं करेंगे, लेकिन वो सही रास्ते पर आए इसके लिए हमें कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। जिस प्रकार जो बीमार है उसकी दवाई की हम उपेक्षा नहीं कर सकते, उसे हमें दवा देना पड़ेगा ताकि वो सही हो जाए। इसी तरह जो रास्ता भटक गए हैं उन्हें हम उसी रास्ते पर नहीं छोड़ सकते, उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा ताकि वो लोग सही रास्ते पर आए और एक अच्छे भारत का निर्माण हो पाए। हुआ यह है कि इस देश में कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता, प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधाओं की और ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। हमारे यहाँ कानून बना है शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र के लिए कानून बना है। जो सरकार सुविधाएं देती है वो नागरिक तक पहुंचने के लिए कानून बना है, लेकिन क्या वो सुविधाएं लोगों तक पहुंच रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि आज हम देख रहे हैं, सीधी सी बात है कि आज हमारे भारतवर्ष की जो नेतागण हैं, जो नेता हैं, वो बीच में ही उस जो सरकार जो आम आदमी को जो सुविधाएं मुहैया करवाती है वो बीच में ही रह जाती है और वो सुविधाएं उन तक पहुंच नहीं पाती है। तो जो कानून बना है वो इतना सख्त नहीं है और वो जो सुविधाएं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है और लोग उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि जो नेता है वही लक्ष्य भूल गए हैं कि जो सुविधाएं सरकार ने दी है वो किन के लिए है। वो खुद की सुख सुविधाओं के लिए पैसे खर्च कर देते हैं और आम आदमी वैसे के वैसे रह जाते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। धर्म और कानून में अंतर है। अधर्म से लोग डरते हैं, पाप करने से डरते हैं, लेकिन कानून से लोग नहीं डरते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। मैंने अभी आपको बोला था कि लोग कानून से नहीं डरते, अधर्म से, पाप से डरते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो पाप लगेगा, ये कार्य ठीक नहीं है। तो लोग अधर्म करने से डरते हैं लेकिन कानून से थोड़ा भी नहीं डरते हैं।
वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है। ये सब धर्म की आस्था के कारण है कि नारी का सम्मान करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए, दूसरों का सम्मान करना चाहिए। ये धर्म के कारण ही समाज के मूल्य आज जीवित हैं। दूसरे को पीड़ा पहुँचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, जो गुस्सा दिखाया गया है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। आज भी समाचार पत्रों में हम देखते हैं जो गलत तरीके से पैसा इकट्ठा करने में लगे हैं, उनको आज बेनकाब किया जाता है, लोगों के सामने लाया जाता है। पर कुछ लोग अपनी प्रतिष्ठा के लिए अपनी ईमानदारी तक भूल जाते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। किसी की बुराई को सामने लाना बुरा नहीं है, वो सही है, ताकि लोग उसको देखकर कुछ सीखे और एक अच्छे समाज का निर्माण हो। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषों उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है, चित्त यानि मन। तो यहाँ लेखक यही कहना चाह रहे हैं कि किसी की बुराई को सामने लाना गलत नहीं है, वो सही है, पर उसके साथ साथ उसमें जो अच्छाई है उसको भी लोगों के सामने बताना चाहिए, ताकि समाज उससे कुछ सीख सके। हम सिर्फ व्यक्ति में उसके दोष ही न देखें, उसके गुण भी देखें और उन गुणों को भी लोगों के सामने लाएं, ताकि लोग उनके गुणों से भी कुछ सीख पाए और समाज में नैतिकता आ पाए। अब यहाँ पर जो लेखक है, निबंधकार हैं, उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से उन्होंने 10 की बजाय 100 का नोट दे दिया था, तो जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गए। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में नब्बे रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। यहाँ पर लेखक ने उदाहरण दिया है कि वो जब ट्रेन में बैठे तो उन्होंने 10 के बजाय 100 रुपये दे दिए थे और वो गाड़ी में बैठ गए। अब टिकट बाबू उनको ढूंढते ढूंढते ट्रेन में आए और उनके हाथ में 90 रुपये देकर कहा कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने भी नहीं देखा और आपने भी नहीं देखा, और आपने 10 की बजाय 100 रुपये मुझे दे दिए थे, तो 90 रुपये वो लौटाने के लिए आए। तो वहाँ लेखक ये सोचने पर मजबूर हो गए, वो चकित रह गए कि आज भी ईमानदारी दुनिया में है। तो वहाँ लेखक का चित्त मन परिवर्तित हुआ, उनको लगा कि दुनिया में आज हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ बुरे लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, और बल्कि बुरे लोग तो कम या नहीं के बराबर है, अच्छे लोग ज़्यादा हैं। वहाँ लेखक को यह अनुभव हुआ। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, उसे देखकर उन्हें लगा कि वो कैसे कह सकते हैं कि दुनिया में सच्चाई और अच्छाई लुप्त हो गई है, गायब हो गई है, वो ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जैसा उदाहरण उनके सामने पेश हुआ उसे देखकर वो खुद हैरान हो गए। वैसे अनेक अवांछनीय घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, अब दूसरी घटना के बारे में बता रहे हैं। एक बार तो उनके साथ जो ट्रेन का हादसा, अच्छी घटना हुई उसके बारे में उन्होंने बताया। अब दूसरा उदाहरण वो दे रहे हैं कि उनके साथ उनकी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी, गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर, गंतव्य यानी जिस स्थान पर हमें पहुंचना हो।
8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन यानी सुनसान, जहाँ कोई न हो, सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। बस रुक गई, खराब हो गई। रात के कोई 10 बजे होंगे, बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। अब बस खराब हो गई थी, लेखक के साथ उनके बच्चे और पत्नी भी थी। लेखक वहाँ घबरा गए कि अब क्या होगा, और सब लोग अलग अलग बातें कर रहे थे कि यहाँ डकैती होती है, जो बस का कंडक्टर है उसके मन में बेईमानी है, इस तरह की, यह अब हमें यहाँ निर्जन स्थान पर लाकर इसने बस रोक दी है तो इसकी भी बेईमानी है, ये हमें लूट लेगा, इस तरह की अनेक बातें कर रहे थे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, घबरा गया ड्राइवर। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, कातर यानी डर के मारे, डरना, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। अब लोग जब बस वहाँ खराब हो गई, रुक गई, तो कंडक्टर पर शक करने लगे कि इसने बस रोक दी, अब ये डाकुओं से मिला हुआ है, डाकुओं को बुला लेगा और हमारे साथ कोई दुर्घटना यहाँ पर हो सकती है। पर लेखक ने लोगों को समझाया कि इसे मारिए मत, मारपीट मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो दूसरी बस लेकर आ रहे हैं, ऐसा आश्वासन दिया। मैं भी बहुत भयभीत था, लेखक भी डर गए कि हो सकता है ये सच्चाई भी हो। पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए, लेखक ने ड्राइवर को मारपीट से तो बचा लिया। अब 1.5-2 घंटे बीतने के बाद मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। लेखक के बच्चे भूख और पानी से व्याकुल हो गए। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा है। हम भी ये देखते हैं, जब कहीं कोई दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, तो लोग ड्राइवर को पकड़ के पीटने लग जाते हैं, तो ऐसा इस निबंध में भी बताया गया है। पर लेखक की वजह से वो ड्राइवर बच गया, नहीं तो लोग उसे मारते। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसके आते ही कहाँ अड्डे से नई बस लाया हूँ। अब थोड़ी 1.5-2 घंटे बीतने के बाद क्या देखते हैं कि कुछ दूरी पर जो बस कंडक्टर है वो दूसरी बस में बैठकर आ रहा है, अड्डे से एक बस लेकर आ रहा है। इस बस पर फिर कंडक्टर ने आकर कहा कि इस बस में बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों की जान में फिर जान आई। देखिए, उस समय उसे बस कंडक्टर को लोग मार रहे थे, लेखक ने उसे बचाया। वो बस के साथ साथ जो लेखक के बच्चे जो भूख और प्यास के मारे बिलबिला रहे थे, रो रहे थे, उनके लिए पानी और दूध की व्यवस्था करके भी साथ में लाया और बस भी लेकर आया। सबने उसे धन्यवाद दिया, सबने बस कंडक्टर को धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। इन 2 घटनाओं के बाद और इस बस की घटना के बाद तो जो निबंधकार है उन्हें और भी ऐसा लगा कि मैं कैसे कह दूँ कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं।
इन दो घटनाओं को देखने के बाद तो मैं ऐसा कह ही नहीं सकता, दुनिया में आज भी अच्छा ही है, ईमानदार लोग आज भी है। आज लोग बिना किसी रिश्ते से, बिना किसी लगाव से आज भी लोग मेहनत करते हैं, मदद करते हैं। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थानों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, जो जीवन कष्टकर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। उनकी ये प्रार्थना आप कक्षा 10 में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो निबंधकार है वो बोल रहे हैं कि मैं कैसे बोल दूँ कि आज अच्छे लोग दुनिया में नहीं है। आज भी जो बस का ड्राइवर था, कंडक्टर था, वो लेखक को नहीं जानते थे पहले से, फिर भी उन्होंने बिना कारण, बिना किसी रिश्ते के उनकी मदद की। तो वो ये बोल रहे हैं कि लेखक ने उनके जीवन में कभी धोखा नहीं खाया है, उन्हें कभी बुरे लोग मिले भी नहीं हैं, फिर लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं कि इस दुनिया में धोखा ही धोखा है। मनुष्य की बनाई गई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुँच रही है, जो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ निबंधकार अपने मन से कह रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्या हम पेपर में आए दिन ऐसी घटनाएं पढ़ते हैं कि आज वहाँ चोरी हुई, वहाँ डकैती हुई, वहाँ धोखा खाया, तो उन घटनाओं को पढ़कर या देखकर हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उन घटनाओं के पीछे क्या कारण है, उन कारणों को हमें खोजकर उसका कोई उचित उपाय निकालना चाहिए और कभी भी हमारे मन को निराश नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।